ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड सर्किट, वी हैव स्टडीड पाथ ऑफ क्या डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. वी हैव सीन दैट सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं, एक सेल में हाउ मेनी टर्मिनल्स, हाउ मेनी टर्मिनल्स इन वन सेल, आई एम नॉट सेइंग हाउ मेनी, आई एम सेइंग हाउ मेनी टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स इन वन सेल. ओके, बैटरी में दो सेल, दो या दो से ज्यादा सेल होता है, दैट इज व्हेन यू कॉल इट अ बैटरी. ठीक है, दिस इज अ सेल, अगर दो सेल एक साथ है यू कॉल इट अ बैटरी. फिर हमने पढ़ा कि बल्ब फ्यूज कैसे होता है, व्हाट इज वन रीजन जिसके वजह से बल्ब नंबर हो जाएगा. पेज नंबर आप चैप्टर ओपन करो ना डार्लिंग, इट्स ऑन आपके इंडेक्स पेज में चैप्टर का दिया है, बुक ओपन करो 119. मैम स्क्रीन इज ब्लैक मैम, इफ स्क्रीन इज ब्लैक कैन यू कट द कॉल एंड जॉइन बैक, गिव मी वन रीजन व्हाई बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, क्यों फ्यूज हो जाएगा बल्ब, व्हाट विल हैपन, खराब होगा मैम, खराब होगा तो मैम. One reason why bulb will get fused. क्या मैम उसके कौन सा पार्ट टूटेगा बल्ब का, उसके अंदर का वो. What is it called? Don't tell me in Hindi. No, I will not accept that answer. ये बत्ती बत्ती नहीं चलेगा. Please Mubashira, go ahead, tell me. What part? A bulb to fuse is a break in its filament. ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, आप उसको फिलामेंट बोलोगे, आप लोग गांव वाले बच्चे नहीं हो. okay. गांव में रहते हो क्या? नो, सो इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन गांव, बैंगलोर में रहते हो, बैंगलोर बहुत बड़ी सिटी है, बैंगलोर में इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में बात करो प्लीज. ओके मैम. ओके, इट्स नॉट कॉल्ड बत्ती, फिलामेंट 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 फिलामेंट. यस, थैंक यू. फिलामेंट. We are studying in English, so we'll speak in English so that your English skills get better, okay? All right. We've studied about fuse. Okay, then we studied about electric switch. Okay? We saw electric switch jo hai. I'm speaking in Hindi so that you understand. If you're not understanding, please raise your hand and ask me doubts, okay? We studied switches on position and off position. What does a switch do? Kya karta hai? What does a switch do? जब हमें इंग्लिश ऑफ करते हैं ना, जब वो अंदर का ये होता है ना स्विच को, वो ऐसा भिंगा जाता है. अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट ब्रेक हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है? ब्रेक. और अगर स्विच ऑन है तो सर्किट ब्रेक हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है? कंप्लीट. So you will say that electric switch is a device. It will break the circuit or it will complete it. If you don't tell me this answer tomorrow, I will make you write this also 10 times. Okay, if I ask you what is electric switch? So if I ask you what is a switch, you will tell me a device that will break the circuit or complete the circuit. Okay, understood. I'm going to ask you in between. Yes, ma'am. Ma'am, party rakha hai mera ghar ko. Okay, fine, good. All right. Next, now what I'm going to do is last part of the chapter, which is conductors and insulators. Okay, conductor, आपने कहाँ पे सुना है? पहले where have you heard this word conductor? बस में. बस conductor. Okay. तो बस कंडक्टर जो है, वैसे ही आप याद रखोगे, बस कंडक्टर क्या करते हैं, बस में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ना. तो वैसे ही कंडक्टर्स जो है वो चीजें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मेटल मान लो, ठीक है, अगर मैंने एक चाबी ले ली, की. ओके, आपको पता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज अ की. Yes, ma'am. की मेटल का बना होता है. yes, ma'am. अगर मैं की के यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करूँ
और दूसरे साइड में भी एक वायर कनेक्ट करूं, प्लीज बी क्वाइट, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं, ओके मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और एक बल्ब भी लगा दिया. डू यू थिंक ये बल्ब ग्लो करेगा? यस मैम. यस मैम. वेरी गुड. नो रेजिंग हैंड. नो यू गाइज नो ना डोंट हैव मैनर्स ओनली. ओके फाइन. बट ठीक है, मेटल है तो मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा और वो लग जाएगा. व्हाट इफ यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल लगा ली, ठीक है, ये एक प्लास्टिक की बॉटल, मैंने दो वायर कनेक्ट करा, बैटरी कनेक्ट किया एंड यहाँ पे बल्ब भी लगा दिया. विल दिस बल्ब ग्लो प्लास्टिक की बॉटल से? नो मैम. नो मैम. ओके नो. आपको इतना पता है कि वो ग्लो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नो और यहाँ पे यस, ठीक है. सो जो चीज मैम अगर वो कट, अगर वो कट होगा तो वायर से जॉइंट ग्लो ये हो सकते ना मैम, बॉटल कट हो तो बॉटल जल जाएगा, बॉटल मेल्ट हो जाएगा. ओके गर्म होएगा अगर वायर तो. करेक्ट. आपके घरों में वॉट एवर वायर ज्यादा है, नाउ एवरीबॉडी विल गो ऑन म्यूट प्लीज. Whatever wire you have in your house, जो आपके light पे fan पे जितना भी wire लगता है वो सब बना होता है metal का, okay? So whatever materials, जैसे अगर मैंने wire cut करके यहाँ पे एक somebody is not on mute, शाबाश पाशा go on mute, okay? अगर मैंने wire cut करके वहां पे एक metal लगा दिया तो उसमें से electricity तब भी pass करेगा. I told you ना, पॉजिटिव से यहाँ से पूरा जाएगा और नेगेटिव में आएगा और सर्किट विल गेट कम्प्लीट एंड द बल्ब विल ग्लो. बट इफ यू यूज मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक एंड गिव मी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स लाइक दिस क्लोथ, एनी अदर मटीरियल, व्हाट अबाउट अगर मैं वुड लगा दूं यहाँ पे? नो मैम. वुड विल गिव द बल्ब लाइट, मिलेगा बल्ब को वुड से? नो मैम. नो. सो मैम अगर शेल मैम यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड, यू आर ऑल जस्ट स्क्रीमिंग, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू टॉक. यस महक. मैम जब वुड में ये बैटरी लगाए तो होता ना मैम? वुड में बैटरी लगाएगा तो आप बताओ विल इट हैपन? स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो प्लीज. Okay, fine. All right. So there are some materials which can conduct electricity. Yani yahan pe electricity ek jagah se dusri jagah ja sakti hai. But there are some materials yahan se yahan pe positive se electricity to nikal gaya. Theek hai? It is now plastic mein. It is not going. Electricity cannot pass through plastic. Theek hai? To yahan pe cut ho gaya, circuit break ho gaya. To do you think yahan pe electricity aayega fir? Yes or no? No. तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इधर ही रुक गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी cannot pass. So such materials are called insulators. INSULATORS. और ये वाले जो materials है इनको कहते हैं conductors. ठीक है. सो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करता है, और इंसुलेटर्स वो चीजें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता. ओके आफ्ताब, टेल मी व्हाट आर इंसुलेटर्स. यस आफ्ताब इज शोइंग मी अ पेन आल्सो. आफ्ताब व्हाट आर इंसुलेटर्स?
Can you tell me? You're on mute, darling. Ma'am, we should write. Ma'am, electricity not be go. Electricity will not go through insulators. Very good, Aftab. Very good. Extra points for speaking in English. I'm going to note that down. One second. Yes, I'm giving points to Aftab. Okay, ma'am. Okay, done. So now you guys know what are conductors and insulators. Please draw this. All of these things that I'm drawing should be there in your notebook. Okay, you can take a screenshot and write it later on also. But just make sure that you're writing this. Okay? So now we are going to read the book. Can I erase it? Have you all taken a screenshot? Yes, ma'am. Okay. I'm erasing this now. All right. So now we are going to read the textbook. After that, I will show you a few videos. Okay? So okay, I'm going to first read the textbook. Okay, ma'am. And I'll show you some videos. So this is electric conductors and insulators. Yes, ma'am. Ek activity diya hai. They've given you one activity where they are saying that you make a circuit like this. Yes, and one part of the circuit, don't connect that part. Okay? Be on mute, everybody. Yes, ma'am. Atik, go on mute. Okay? They're saying ki one part of this electric circuit, don't connect the wire to that. वहां पे आप अलग अलग चीजें लगाओगे ऐसे बीच में, जैसे यहाँ पे की लगाया है वैसे बीच में पेंसिल लगा दो या बॉटल लगा दो या नेल कटर लगा दो या वुड का पीस लगा दो, कोई भी अलग अलग चीजें, वॉट एवर यू कैन फाइंड इन योर हाउस, टेक दोज थिंग्स एंड पुट दोज इन बिटवीन दीज वायर्स एंड देन सी इफ द बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट. ओके, अगर बल्ब ग्लो करता है देन विल इट बी अ कंडक्टर और इंसुलेटर, विल दिस मटीरियल बी अ कंडक्टर और इंसुलेटर? कंडक्टर. कंडक्टर. अगर आपका बल्ब ग्लो करता है, बल्ब विल ग्लो, दैट मीन्स इट इज अ कंडक्टर. वॉट इज द नेक्स्ट वर्ड इफ बल्ब विल नॉट ग्लो? Then what is it? Conductor. What is it? Conductor ka ulta? Conductor ka ulta? IN. In conductor. In conductor. In conductor. Abhi abhi jo padha, dusra word. I se jo start hota hai, there's one more word. Insulator. Insulator. कंडक्टर का उल्टा इज इंसुलेटर इन साइंस. सो कंडक्टर मीन्स देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी विल बी पासिंग थ्रू इट, बल्ब विल ग्लो. इंसुलेटर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास, बल्ब विल नॉट गो ग्लो. ठीक है, सो आई विल राइट दिस ऑल्सो. इलेक्ट्रिसिटी विल पास, इलेक्ट्रिसिटी, please write it down, will not pass. Okay, can you all please write it down in your notebook? I'll give you 1 minute's time. Mom, to your voice is not coming. ठीक है, now what we are going to do, अभी आपको conductor और insulator अगर पता चल गया है तो we are going to watch two videos. Okay, I'm going to show you two videos. One video will give you how this activity is working. They will show you all these activities. On top also we saw some activity na, switch wala activity, make a switch at home. Okay, all this I'll show you. One second, not this part. When we did electric switch, this one, so he will show you in that video, that person will show you how to make electric switch. And what is this activity that they are saying in your book? No, तो आपके ये activity में इन्होंने बोला है कि इसके बीच में अलग अलग चीजें रख के आपको देखना है कि वो conductor है या insulator है. So they are saying collect samples of different types of materials like coin, rubber, glass, cork. आपको जानने की जरूरत नहीं है, it's a different bottle का जो top वाला part होता है. Rubber, glass, key, pin, plastic, scale, ये सारी चीजें आप ले लो और wires के बीच में लगाओ and check करो, टेस्ट करो कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है. ओके,
and then you have to make a table like this. Yes, no, yes, no. Bulb will glow, bulb will not glow. Okay? Yes, so now I want you to mark this part also in your textbook. Just a few parts. Insulators do not allow electric current through to pass through them. Okay? वैसे ही कंडक्टर में लिखोगे कंडक्टर विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. कैन यू प्लीज मार्क दिस पार्ट इन योर टेक्स्ट बुक. अगर क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट आर कंडक्टर्स, यू विल से थिंग्स दैट विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इज दैट क्लियर? कैन समबडी रिपीट व्हाट आर कंडक्टर्स? शाबाज मैम, वन मोर टाइम. कंडक्टर्स आर things that will allow, allow करना मतलब entry मिल सकता हो, ठीक है? Yes, ma'am. Things that will allow electric current to pass through it. Conductors जैसे बोलते ना, आ जाओ चलो बस में बैठो, I will take you somewhere. Yes, ma'am. Like that. Okay, can you repeat what I just said? Yes, ma'am. How many of you can raise your hand? Please repeat. I'm seeing Rehmat, Mubashira and Tabassum have raised hand, even Aftab. I want Shahbaz to answer, but. So now after marking this, आपको ये conductors और insulators के बारे में बस थोड़ा मैम बोला है. मैम मेरा बार बार क्लास कट हो रहा है, मुझे मैंने नहीं लिखा. आप बोल रहे ना अटक जा रहा है आवाज अब. तो अरहान ऐसे अगर होता है तो आप क्लास के बाद क्या करोगे? मैम मैं फोटो मांगूंगी. फोटो मांगोगे या वीडियो देखोगे खुद से? वीडियो. आप किसी से फोटो नहीं मांगोगे, वीडियो में सब कुछ रहेगा. यू विल वॉच वीडियो. ओके, आई एम ओनली आस्किंग टू मार्क दिस टू लाइंस, दैट्स ऑल. मैम फ्रेंड से है. आपकी मर्जी, बीच में आगे आगे करके देख लेना. हेलो, ठीक है. यहाँ पे कंडक्टर्स का भी मीनिंग लिखा हुआ है, मटेरियल्स दैट विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. यू कैन मार्क दिस ऑल्सो, इट्स द सेम थिंग, जस्ट वर्ड्स आपको थोड़ा चेंज किया हुआ है. Okay, so please mark conductors and insulators ka meaning. I'm going to clear this. Follow whatever I'm saying with me itself. And your chapter is almost at the end. We'll just do those videos now. I'll show you two videos, okay? All of you can keep your video off. Apna video off kar do sab log. So that you can hear properly. Is video mein koi sound nahi hai? Why, ma'am? So that आप वीडियो ऑफ करोगे तो आपको ये मेरे स्क्रीन वाला चीज और भी क्लियरली दिखाई देगा, इसलिए. ओके, फॉर सम टाइम यू ऑल कैन टर्न योर वीडियो ऑफ. सो गाइज, इस वाले वीडियो में कोई साउंड नहीं है, आपको सिर्फ देखना है. अगर आप बीच में कट कर देते हो, इट्स ओके. आप अनम्यूट नहीं करोगे, आप ये वीडियो वापस देखोगे जब क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? व्हेन आई सेंड द रिकॉर्डिंग. So can I start? Give me a thumbs up, all of you. Can I start the video? Okay. Okay, perfect. Be on mute, all of you. I'll keep explaining in between, huh? Okay, so they are showing a bulb. See, look at the filament here. And they are also showing the two terminals. Yehi aapke book mein tha, yes or no? You can say yes or no. This is the same thing that was there in your book, yes? Yes, ma'am. So now you can see the filament also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfect. Now they have taken wires and they are going to connect everything, okay? Okay. Okay, what is this and what is this? First one is? Ma'am, first is hello. Very good. First one is cell, second one is battery. So इन्होंने देखो दोनों टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, सेल का भी बैटरी का भी. एंड ही शोइंग कि कैसे ज्वाइन करना है. उन्होंने टेप भी लगा लिया ऊपर. You can make this at your home also if you have wires, okay? With a small cell, you can do this. Only if you connect both the terminals, the bulb will glow. Otherwise, it will not glow. This is the activity that we did sabse first. Ma'am, I am tomorrow. Do, ma'am?
Yes, take a picture. If you're doing it, take a picture and show me. I'll give you extra points for that. Okay, ma'am. Okay, batteries को लगाने के लिए cap आता है, ठीक है? So you need to use that cap. Yes, ma'am. That cap I have. Very nice. All right. So now see, he's showing with the battery also that bulb is glowing. So that means our cell and battery is working. What if the bulb doesn't glow? What does that mean? अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा इट व्हाट विल क्या हो सकती है प्रॉब्लम सिमरन भी ना बल्ब प्रॉब्लम और बैटरी डेड यस आइदर बल्ब प्रॉब्लम या फिर बैटरी बैटरी डेड ओके बैटरी इज आइदर डेड एंड बैटरी कब डेड होती है मैम डेड पावर ओवर पावर ओवर मींस व्हाट इज देयर इनसाइड द बैटरी मैम केमिकल्स इलेक्ट्रिक Chemicals inside the battery will get over. That means everything, the battery's power is gone. Battery is dead. Okay? Very good. Okay. Smart kids. Now they've made the switch using safety pin. You can do this also. Okay? By yourself. Bas sab kuch connect karna hai aur switch aise touch karoge to bulb glow hoga. Simple. Okay? So yeah, they're showing the switch. They've connected battery to bulb, bulb to switch. And now this is the activity jahan pe conductivity of different household materials check kar rahe hain ye log. Theek hai? Conductivity of different household materials yani alag alag saman leke usko wires ke beech mein rakhenge. Agar bulb glow karega, then it will be what? Conductor or insulator? Insulator. Ma'am. Conductor. Agar bulb will glow, conductor. Then conductor. Conductor. Ma'am, connector. Yes. If bulb will not glow, insulator. 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 So whatever materials, jo bhi yahan pe cheeze hain, bulb ko glow karayega, wo conductive mein is jagah pe rakhenge. Jo glow nahi karayega, usko non-conductive ya insulator wale jagah pe lagayenge. Theek hai? इंसुलेटर को नॉन कंडक्टिव भी बोल सकते हैं बट आप लोग इंसुलेटर ही यूज करोगे एवरीबॉडी गो ऑन म्यूट एवरीबॉडी इज नॉट ऑन म्यूट तबसुम गो ऑन म्यूट ओके पहले इन्होंने खील ले ली और वो कंडक्टिव है ठीक है उन्होंने देखो माचिस की तिल्ली जो है वो वुड का बना है वो नॉन कंडक्टिव में रखा है परंतु खुल जाओ पेंसिल इज मेड अप ऑफ व्हाट गाइस Wood. 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 Is it a conductor or insulator? Insulator. Conductor. Insulator. Insulator. See pencil se kya bulb glow ho raha hai? No. No ma'am. No ma'am. Insulator. No ma'am. Wood se electricity nahi ja sakta. Next, what is this key made up of? Metal. 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 Is it a conductor? नेक्स्ट इज टेकिंग दिस बैंगल बैंगल किसका बना है ग्लास या प्लास्टिक इज इट ग्लास नो मैम मैम इंसुलेटर एंड व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ कोई मेटल कोई मेटल अगेन मेटल एंड इट इज अ कंडक्टर So he is gonna put it again in conductive. What is this? Rubber. Rubber. Yeah, rubber. Do you think it is a conductor? No. No, ma'am. No. No, ma'am. It's an insulator. And what is this one? That's plastic. Okay. This will be a conductor or insulator? Conductor. Conductor. Very nice. Now he is taking a screwdriver. Now tell me, guys. Screwdriver will be conductor or insulator? Conductor. Okay. What about this green part of the screwdriver? Insulator. Very good. So the metal part will be conductor. Green part is plastic. That is insulator. Yes, ma'am. Okay. Green part is not glowing. Only the metal is glowing.
paper. That is again some straw. Straw is insulator. And this is same like conductor. This is conductor, and now conductor. Handle is insulator. So handle is non-conductive. में ये दोनों चीजें आ गया. Okay, got it? Experiment is nice. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I'll show you one more video. I have to show you one more video. It will tell you about वही electric current one last time revision जैसा. And that's it. Then I will end the class. Okay. So just wait. Okay, ma'am. Ma'am, put that last scene, ma'am. I'll take screenshot. Put the last one. पिछले वीडियो का. Ma'am, you send the videos only. I will send the video link for sure. Okay, ma'am. Okay, now go on mute. We are watching the next video. Okay. Okay, ma'am. Introduction. When you are feeling very hot and need some air to cool yourself, the first thing you will do is to switch the fan on. Or you want to have a cup of hot coffee to beat the cold winter. You press the switch to put the hot plate on. Why do you need to press the electric switch to revolve the fan or heating the plate? Objectives. At the end of this lesson, you will be able to describe the flow of electrons in a circuit, construct an actual electric circuit, draw diagrams of electric circuits, explain the path of an electric circuit. An electric cell or a dry cell is the source of electricity for the bulb to glow. Let us know how the bulb in a torch glows. Step 1. Take out the bulb from a torch. You can see that the bulb is a small globe of thin glass inside which a coiled filament is fixed on two thick wires. One of these thick wires is connected to the metal case around the base of the bulb. The other wire is connected to the metal tip at the base of the bulb. The metal case and metal tip at the base are two terminals of the bulb. Take two pieces of 1/2 meter long insulated wires. Remove the plastic covering at the ends of each piece of wire with the help of a knife. Now fix the bulb on a bulb holder. Then two screws on the bulb holder become two terminals. The insulated wires are connected to the two terminals on the holder as shown in the picture. Finally, connect free end of one wire to the positive terminal of the cell and free end of the other wire to the negative terminal of the cell. This may be done with the help of a rubber band or an adhesive tape. After the connection, you can see that the bulb lights up. Closed and open circuit. If you see both the wires are connected to both the terminal, it is an unbroken path. It is a closed circuit. Disconnect one of the wires. You'll find that the path is broken now. Also, the bulb doesn't light up since electricity can't flow through this circuit. A broken path is known as an open circuit. Electric switch. Ma'am, class is over. We put a switch on or off whenever want to use or not the electric appliance such as the fluorescent tube, fan, AC, etc. A switch for a bulb is pressed down to complete a circuit. The bulb glows. To put the bulb off, we press the switch up. This breaks the circuit and the bulb glows no more. The switch is so made that under normal conditions, the circuit remains open. The current does not flow through the circuit. When we press the other end of the strip on the switch, it gets connected to close the circuit. The current flows through the circuit and the bulb starts glowing. A switch is a device to close or open a circuit. Summary. Let us summarize what we have learned.
An electric bulb glows when electric current passes through it. A closed circuit allows the electric current to flow through it. An open circuit is a broken circuit and the electric current does not flow through it. A switch is a device to close or open a circuit. Okay. You guys need to write down... And the electric current does not flow through it. A switch is a device... So please take a screenshot of this and you will write these 2 points in your notebook, okay? So make sure you're writing all of this down. Ma'am, I'm screenshotting and up. Yes, very good. Okay. So I'm going to stop. One second. I'm going to stop sharing this and I'll go back to your textbook. And you guys in your group today. One second. In your group today, I will be sent. Somebody is not on mute. Can you put me on mute? So I took this class. Aapka ye jo chapter hai, maine 3 class mein khatam kiya hai. Yesterday, I have sent you 2 videos in the group. Pehla video. Yesterday, first class ka recording. और लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग भी था तो मैं आज की जो मैसेज मैं भेजूंगी क्लास के बाद ग्रुप में उसमें मैं आपको 5 वीडियोस दूंगी ठीक है 5 वीडियोस 3 वीडियोस जो मैंने पढ़ाया है क्लास में जो मैंने रिकॉर्ड किया है दैट विल बी द वीडियो दैट आई एम सेंडिंग एंड बाकी के 2 वीडियोस जो अभी हमने YouTube पे देखा उसका लिंक ठीक है क्लियर एवरीवन हाउ मेनी वीडियोस विल आई सेंड यू 5 वीडियोस So, 3 वीडियोस जो मैंने आपको मेरे रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस हैं वो आप पहले देखोगे और 3rd वाला जो वीडियो होगा उसी में YouTube वाले 2 वीडियोस रिकॉर्डेड हैं बट अगर आपको YouTube वीडियो अलग से चाहिए तो मैं वो भी आपको दूंगी सो टोटली 5 वीडियोस आई एम सेंडिंग आपको वो देखना है मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स बाकी आई नो पहले के भी कुछ चैप्टर है जिसके नोट्स मैंने नहीं भरे हैं आपको दिए नहीं है मैं सारा एक साथ PDF बना के आपको दे दूंगी ठीक है Now, our chapter... Ma'am, your voice is slow, ma'am, not coming. Darling, go somewhere outside and sit, please. Okay, now this chapter is also over. Okay, we have finished 1 more chapter of your science lesson. We'll do revision ek saath last mein. Okay, till then you guys have to do your own revision. Now we only have 4 chapters left. Fun with magnets. Again, 3 classes mein main ye sare chapters finish kar dungi. Water, air around us, garbage in, garbage out. Theek hai? So we'll finish off all these chapters quickly. Very good that we finished 12 chapters so far. And hum ek saath inka revision karenge. Aur revision karte time jo back wale, matlab jo questions hai, niche jo questions diye hote hai, we'll do those questions. Okay? So I'm going to pause this recording. The chapter is over. And you will have to read it by yourself. Whatever I have marked. Okay. I hope you guys do that.